तिगरी मेला 2024 अब जो है समापन की ओर है और मैं आज मेले में आया हूँ तो यहाँ पर बाबा जी का दरबार है, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। और ये जो आश्रम है जिला बिजनौर में फुलसंदा में है और बाबा जी आज जो हैं मेले में आए हुए हैं। एक मेरा हमारा परम सौभाग्य है कि बाबा जी आए हैं तो उनके विचारों को जानने के लिए आज मैं जो है उनके चरणों में आया हूं और उनका जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करूंगा और जो उनका संदेश है हमारे देशवासियों को उसकी जानकारी मैं आज बाबा जी से लेने वाला हूँ। देखिए बाबा जी इस समय जो हैं अपने आश्रम में जो है विश्राम कर रहे हैं तो बाबा जी से मैं थोड़ा सा जानकारी ले। बाबा जी नमस्ते। तो बाबा जी सबसे पहले ये बताइए, जैसे कि गंगा स्नान पर आपका ये जो शिविर लगता है इसके बारे में बताइए। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, वो पार ब्रह्म परमात्मा एक है, ज्योति स्वरूप है, उसका नाम भी सत्य है, उसका नाम जपने वाले उस तक पहुंचते हैं। ये जो आपका कार्तिक पूर्णिमा आती है हर वर्ष, बहुत कम लोग जानते हैं कि कार्तिक शब्द का अर्थ क्या है। बोलते सब हैं कि कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक स्नान है, कार्तिक कौन है? महादेव शिव के बड़े पुत्र हैं, वो कार्तिकेय हैं और ये उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो कार्तिक बाबा जी मास भी तो बोलते हैं, कार्तिक मास पूरा महीना उन्हीं के नाम से है और ये आज से नहीं हजारों वर्ष पहले से हमारी सनातन परंपरा में गंगा स्नान में साधु सन्यासी भी और ग्रस्त लोग भी गंगा तट पर आते हैं और इस पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इसमें जो महादेव शिव थे उनके बड़े पुत्र का ये जन्म उत्सव है। जो छठ बीती है अभी, जो इस महीने में छठ बीती है उसमें इनका जन्म दिन माना जाता है और पूर्णिमा में जन्म उत्सव माना जाता है। तो इसमें गुरु नानक बर्थडे को तो बहुत लोग जानते हैं और वो अभी से परंपरा में आया कुछ ही दिन से, लेकिन जो ये हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है उसको लोग भूल गए। वो कार्तिक स्वामी वेदों का गायन करते थे, उपनिषदों का ज्ञान वो सबको देते थे और उपनिषदों में यही है, एको देवा, वो ईश्वर एक है, सर्वभूतेषु गुणा, उस परमात्मा का प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुछ समय के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। ज्योत निरंजन जाति मेरी, एक ओंकार मेरा नाम, ज्योत निरंजन जाति मेरी, एक ओंकार मेरा नाम, पांच तत्व का पुतला जिसमें कुछ समय को किया विश्राम, वही परमात्मा की ज्योति आत्मा के रूप में इस पांच तत्व के पुतले में थोड़े समय के लिए निवास करने के लिए आती है। जैसे गंगा तट पे यहाँ डेरा डाल लिया है थोड़े समय के लिए, फिर सब वापस चले जाते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन है। वो परमात्मा ही अपना प्रकाश हमारी आत्मा में भेजता है। अब यहाँ हमारा कर्तव्य है कि हम शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, मानवता के लिए कार्य करें, अपने राष्ट्र के लिए। अच्छा बाबा जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गंज का मेला जिला बिजनौर में लगता है, आपका आश्रम भी जो है फुलसंदा में है नेटवर्क के पास, मैं गया हूँ, मैंने वहाँ की भी एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल के लिए, तो आपने जो है ये तिगरी स्थान को ही क्यों चुना? ये इधर हमारी परंपरा के लोग जो हैं अमरोहा क्षेत्र में अधिक हैं, वे स्वयं यहाँ आयोजन करते हैं इस
सत्संग का, तो 20 साल से यहीं हमें आना होता इस वजह से। बाबा जी, जैसे आपका ये जो ध्येय वाक्य है तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं जैसे भी खाना खाता हूँ या किसी भी परेशानी में होता हूँ, हालांकि मैं बाबा जी स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मैं ज़्यादातर किसी का कोई भक्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने माँ बाप अपने ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन पता नहीं आपके दिल में इस शब्द के प्रति मेरी इतनी श्रद्धा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मृत्यु के देवता भगवान यम हमें ले गए थे परलोक में 19 वर्ष की अवस्था में, वहाँ उन्होंने हमें दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये देवलोक है, ये फरिश्ते हैं और ये पार ब्रह्म परमात्मा है। वो रोशनी के पर्दों के पीछे ढका हुआ था और वहाँ से ये आवाज़ आती थी, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये परमात्मा का मंत्र है। हाँ, उस परमात्मा का मंत्र है और उसी के द्वारा ये जारी किया गया है, और जो इसको जपेंगे निश्चित तौर से उनका उद्धार होगा और ईश्वर की तरफ से उनको जरूर मदद मिलेगी। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, बस बाबा जी मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मैं कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ किसी से भी, लेकिन मुझे बहुत शांति मिलती है। परमात्मा से तो हर एक आत्मा जुड़ी हुई है, है? क्योंकि उसी के निकट से हम आत्माएं आती हैं और वापस उसी में हमें जाती हैं। हाँ, ये सहयोगी होता है। बाबा जी, मैं आ रहा था, आपका जो काफिला आ रहा था, मैं आपके आज दर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गया। धन्यवाद। तो बाबा जी, एक आखिर में ये बताइए, जो आपके भक्त हैं, जो आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा आखिर में कुछ संदेश। केवल संस्था से ही नहीं, पूरे विश्व के लिए हमारा संदेश है कि पुण्य कर्म करें, अपने विचारों को उच्चता में रखें, मानवीय कर्म करें। मनुष्य के भीतर पशु और देवता दोनों निवास करते हैं। ये हमारा जन्म, हमारी आत्मा कल्प वृक्ष जैसा है। कल्प वृक्ष के नीचे जो मनुष्य जैसी भावना करता है उसको वैसी ही प्राप्ति होती है। हमारा चिंतन शुभ होना चाहिए, हमारी वाणी पवित्र होनी चाहिए, हमारे कर्म शुभ होने चाहिए, जिससे पूरे विश्व में संसार में शांति प्रेम और करुणा का विस्तार। ठीक है बाबा जी, आज बाबा जी से मिलने का सौभाग्य इस गंगा स्नान के मेले में हुआ, तो मैं बाबा जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और इसी आशा के साथ जो उनका ज्ञान का संचार है पूरे देश में फैले, जो उनकी ज्ञान ज्योति है उसका प्रसार प्रसार होता रहे। तो आप भी बाबा जी के भक्त हैं, हैं? तो कहाँ से आए हैं? मैं गजरौला से। अच्छा, गजरौला से। तो हाँ, बाबा जी से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो इनके आश्रम में गए वहाँ पर फूलचंदा? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जी, मैं भी गया हूँ वैसे उनके। लेकिन रहने वाले तो धामपुर केल के हैं, जॉब करते हैं। तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। मैं पंजाब लुधियाना से गुरुजी से लगभग 93 से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उनसे गुरु मंत्र दीक्षा ली थी और उससे पहले भी मैं बहुत सारे संतों से मिला हूँ, बहुत सारे डेरों में गया हूँ, लेकिन जो आत्मा को असीम शांति मिलती है, जो लगता है कि हाँ हम ईश्वर के धाम में आ गए हैं और ईश्वर साक्षात मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी अपनी ये अनुभव है कि हमेशा गुरुजी मेरे साथ ईश्वर के रूप में हैं और हमेशा ईश्वर मेरे साथ है। जब भी मैं मेरा परिवार इस मंत्र का जाप करता है, हमें बहुत शांति और बहुत शक्ति मिलती है। हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर 5 समय की आराधना का पालन करने की कोशिश करते हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोग जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत सारे दिव्य दर्शन भी हुए हैं और बहुत सारी संगत हमारी एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र से, उनकी गुरुजी से जुड़ी हुई है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि आप जो गुरुजी का लाइव सत्संग प्रतिदिन दोपहर 2 बजे एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा चैनल पर आता है, आप सभी उनके वचनों को सुने, अपने जीवन का पुण्य लाभ उठाएँ और अधिक से अधिक गुरुजी के वचनों को सुने। गंगा स्नान में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं अभिनंदन करता हूँ,
एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।